तमिलनाडु के कुछ प्राचीन जैन मंदिरों पर बने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री एम के जैन, श्रीमती सरिता जैन, चेन्नई। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छांव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दांव। जाने समाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। तो आज के इस एपिसोड मंदिर दर्शन में हम दर्शन करेंगे तमिलनाडु के कई प्राचीन जैन मंदिरों के, जो कि लगभग 1000 से 2000 साल प्राचीन हैं। तो चलिए हम चलते हैं और तमिलनाडु के चेन्नई शहर के आसपास के प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन करते हैं। वह जिंदगी के मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा देश के 400 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं, जिसमें कई मंदिर नए हैं तो कई मंदिर प्राचीन हैं। पर इस एपिसोड के द्वारा हम आपको तमिलनाडु के अति प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन कराएंगे, जो काफी कलात्मक भी है। जय जिनेंद्र, मैं सबिता जैन आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ वह जिंदगी के बहुचर्चित एवं अद्भुत कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। वह जिंदगी ने अब तक कई क्षेत्रों के दिगंबर जैन मंदिरों पर फिल्म बनाकर आप सबको घर बैठे दर्शन कराया, और इसी सिलसिले में वह जिंदगी की टीम पहुंच चुकी है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर करेंडे में। इस वक्त मैं आप सबको दर्शन कराने जा रही हूँ 1500 साल प्राचीन ऐतिहासिक एवं कलाकृति से सुशोभित प्राचीन दिगंबर जैन मंदिरों के। तो चलिए आप सबको दर्शन कराती हूँ, आप सब पुण्य का लाभ लीजिए। वह जिंदगी की टीम सबसे पहले पहुंची कांजीपुरम तहसील के करंदे श्री मुनिगिरी दिगंबर जैन जिनालय। करीब 1500 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर में आई देखी बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य है। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर कांचीपुरम तहसील में रहता है, करंदे श्री मुनिगिरी दिगंबर जैन मंदिर है। इस गांव में 40 घर हैं जैनों की, सब पूरे दिगंबर जैनों की हैं। इस मंदिर का विशेषता है आचार्य श्री अकलंक महाराज का विवाह स्थल है। पहले से ही आचार्य अकलंक का ही विशेषता है, यहाँ से जो मूल नायक है वो कुंद स्वामी का है। इस जगह का नाम मुनिगिरी क्यों पड़ा? जी, आचार्य श्री अकलंक देव जब इधर आए थे उस समय से वो मुनिगिरी बताए रहे। इस मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान कुंद स्वामी की प्रतिमा है, जो चूना गुड़ और मिट्टी से बनी है। हजार साल प्राचीन होने के बावजूद भी ये प्रतिमा आज भी नवीन लगती है। मुख्य मंदिर के बाहर कई विशाल स्तंभ है,
जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर के दीवारों, स्तंभों और छतों पर अद्भुत कलाकृति की गई है। यहीं पर मान स्तंभ की तरह ही ध्वज स्तंभ भी स्थापित किया गया है। जिस जमाने में केवल छेनी और हथौड़े से ही निर्माण किया जाता था, उस जमाने की बारीक कारीगरी को देखकर हम अवाक थे। मुख्य मंदिर के चारों तरफ हमारी टीम ने परिक्रमा किया तो अनेक वेदियों पर विराजित अनेक भगवानों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मुख्य मंदिर के बाईं ओर कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक मंदिर है जिसमें कई तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिसमें एक प्रतिमा का रंग स्वर्णिम है, मानो जैसे स्वर्ण से यह प्रतिमा निर्मित की गई हो। मंदिर के अंदर अनेक कलाकृतियां देखने को मिली। इस मंदिर से थोड़ा आगे एक वेदी पर ब्रह्म यक्ष देव की प्रतिमा भी विराजित दिखी। मंदिर के अन्य हिस्सों में कई वेदियां स्थापित की गई हैं, जिसमें एक वेदी पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। और एक अन्य वेदी पर प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजित है। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर माता धर्म देवी का एक चमत्कारिक मंदिर है। कहा जाता है कि माता जी के दरबार में जो भी आता है उसकी सारी मुरादें माता जी पूर्ण करती हैं। करंदेई का जो जैन मंदिर है, इसके बारे में आप बताएं, इसकी क्या विशेषता है, कितनी साल पुराना है? करंदेई का मंदिर 1700 साल पुराना है, और आपने उसकी मूर्ति देखी होगी। उस टाइम पे मूर्ति जो थी ना, पत्थर की नहीं थी, वो गारे चूने, इसकी चूने की और उसी बनी हुई मूर्ति है। आपने नोट किया नहीं, मालूम नहीं? मैंने देखा है। हाँ, और यहाँ पर क्या था कि आचार्य अकलंक देव और बुद्धिस्ट की वो बहस हुई थी, कंपटीशन हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उसमें जैन जीते थे। वहाँ पर एक धर्म देवी है, उनके मंदिर में बैठ के उन्होंने किया था। तो वो मंदिर एक्चुअली में इसलिए फेमस हुआ है कि वहाँ पर ये धर्म देवी के इन्फ्लुएंस की वजह से, धर्म देवी की आशीर्वाद से जैन जो थे वो बुद्धिस्ट के अगेंस्ट में विवाद विवाद में जीते थे। मंदिर के पास ही एक संत निवास बनाया गया है, जहाँ पर समय समय पर साधु संतों का आगमन होता रहता है। वहाँ जिंदगी की टीम इस हजारों साल प्राचीन मंदिर के दर्शन कर इसके कलात्मकता को देख कर भाव विभोर हो गयी। अब बारी है आपकी। आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर सह परिवार इस मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वक्त हो चला है एक लेने का छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम और भी कई प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अनेक ऐसे जैन हैं जो IAS, IFS, IPS, IRS बनकर या उच्च सरकारी पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है या कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य, विज्ञान, न्याय, शिक्षा, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, अभिनय, लेखन, साहित्य, राजनीति, समाज सेवा, परोपकारी कार्य या फिर अन्य कलाओं आदि क्षेत्रों में योगदान देकर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं।
दुनिया को जैन समाज के महत्वपूर्ण योगदान से परिचय कराने के मकसद से वह जिंदगी ने जैन रत्न सीजन एक और सीजन दो के द्वारा 90 ऐसे ही जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के द्वारा 20 एपिसोड के अंतर्गत प्रसारित किया है। साथ ही साथ अपने नाम के साथ जैन लिखने की एक मुहिम भी वह जिंदगी ने जैन रत्न के माध्यम से चला रखी है। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज की प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया को दिखाना है कि जैन समाज आज कितना विकसित है। साथ ही साथ चल रहे सर्वधर्मी नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई करना हमारा मकसद भी है। इन जैन रत्नों पर फिल्म बनाने के लिए वह जिंदगी की 8 सदस्य टीम ने सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग के द्वारा करीब 2,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया। अब वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसके द्वारा 50 और जैन रत्नों पर फिल्म बनाई जाएगी, जिसे 10 एपिसोड्स के द्वारा प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए हमारी टीम पूरे देश का भ्रमण कर रही है। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपने साथ ही साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी, तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। हम उन्हें जैन रत्न सीजन 3 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। जैन रत्न के सभी एपिसोड YouTube पर उपलब्ध हैं। आप YouTube पर वह जिंदगी जैन रत्न सर्च करें, देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे वह जिंदगी द्वारा निर्मित फिल्मों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। चलिए हम चलते हैं, हमारे सफर में आगे बढ़ते हैं और जैन मंदिरों के दर्शन करते हैं। तमिलनाडु के अति प्राचीन कारंदेई जैन मंदिर के दर्शन कर वह जिंदगी की टीम आप सभी को दर्शन कराने लेकर आई है पोन्नुर मल्लई। मंदिर दर्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेके आई हूँ तमिलनाडु में स्थित पोन्नुर मलाई। पोन्नुर मलाई में एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरण चिन्ह स्थापित है। वह जिंदगी की टीम इस पहाड़ पर पहुंची और हमने चरण के दर्शन किए। कहा जाता है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ साधना और तपस्या की, उसके बाद वे विदेह क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। वहां से आने के बाद उन्होंने जैन धर्म के अनेक ग्रंथों को लिखा। यहाँ पर एक मान स्तंभ भी निर्मित किया गया है। यहाँ का माहौल काफी शांत और पवित्र था। ये परिसर प्राकृतिक माहौल से ओतप्रोत है। पूरे पहाड़ की चढ़ाई के बाद
पूरे इलाके का विहंगम दृश्य देखकर मन आनंदित हो गया। पहाड़ी के नीचे उतरकर हम एक विशाल परिसर पहुंचे जहां कई निर्माण किए गए हैं। यहीं पर स्वामी कुंद की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित है जिसके हमने दर्शन किए। परिसर में एक जिनालय भी है जिनमें अनेक वेदियों पर अनेक तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजित है। इस मंदिर में मूल देवता के रूप में आदिनाथ भगवान विराजमान है। मंदिर में एक सहस्त्र कूट जिनालय भी निर्मित है। और भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाओं को देखकर श्रद्धा से हमारे सिर झुक गए। मंदिर को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ मेरु पर्वत की भी रचना की गई है। इसका काफी खूबसूरत तरीके से निर्माण किया गया है। मंदिर का वातावरण काफी शांत था और हमें एक पवित्र शांति की अनुभूति हुई। मंदिर से निकलकर थोड़ी दूर स्थित समोशरण मंदिर हम पहुंचे जहां हमारी नजरों के सामने था खूबसूरत तरीके से निर्मित समोशरण। हमें ऐसा लगा कि हम साक्षात किसी समोसरण में खड़े हैं। कुंद स्वामी का विधेय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में देश विदेश से यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। उनकी सुविधा के लिए आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक विशाल अत्याधुनिक अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। परिसर में एक विशाल आचार्य शांति सागर भवन भी निर्मित है। यहाँ पर कई तरह के शोध होते हैं एवं कई प्राचीन संग्रह भी यहाँ मौजूद है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ 12 महीने भोजनशाला भी संचालित है। आचार्य कुंद स्वामी का विदेह क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जैन संतों का आगमन होता रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक संत निवास भी निर्मित है। इस स्थान को विकसित करने में चेन्नई के श्री महेंद्र जी सरिता जी जैन का अथक प्रयास और सहयोग रहा है। पुनर्मल्ली मंदिर भी काफी प्राचीन है। पुनर्मल्ली जैन मंदिर के बारे में आप हमें बताएं कि इसकी क्या विशेषता है। पुनर्मल्ली जो है वो जैन मंदिर के लिए नहीं, बल्कि पुनर्मल्ली वो जगह है जहाँ पर आचार्य कुंद ने तप किया था। पुनर्मल्ली आचार्य कुंद की तपोभूमि है और पुनर्मल्ली से ही आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए थे। आपने देखा होगा बाहर में एक मूर्ति बनी है आचार्य कुंद की और उनको अपने सिर के ऊपर में वो रखा हुआ है, शास्त्र रखा हुआ है और वो विदेह क्षेत्र को जा रहे हैं। तो पुनर्मल्ली आचार्य कुंद की वजह से मशहूर है एक्चुअली में, और काफ़ी वहाँ पर काम हो रहा है, अभी डेवलप हो रहा है काफ़ी। इस विदेह क्षेत्र के दर्शन करने की योजना बनाइए और यहाँ आकर स्वयं दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।
ऐतिहासिक पुण्यमलाई के दर्शन करने के बाद करीब 1800 साल प्राचीन अरिहंत गिरी क्षेत्र पर वह जिंदगी की टीम पहुंची। इसकी प्राचीनता को देखकर हमारी टीम अवाक रह गई। मंदिर दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेके आई हूँ दक्षिण भारत के अरिहंत गिरी में स्थित बहुत अतिशयकारी प्राचीन एवं कलाकृति से सुशोभित मंदिरों का दर्शन कराऊंगी। इस मंदिर में आते ही शांति की अनुभूति होती है और साथ ही साथ जब मंदिर के भगवान को दर्शन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान सामने खड़े हो। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भव्य और अतिशयकारी प्राचीन जैन मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि महाभारत के काल में जब पांडव को अज्ञातवास हुआ था वो इसी क्षेत्र पहुँचे थे और उनके मन में भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पर भगवान नेमिनाथ की 18 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा स्थापित की और नित्य उनके दर्शन करते थे। आइए इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं इस प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस का गोपुर है। इस गोपुर को तमिलनाडु में राज गोपुर बोलते हैं। ये तमिलनाडु में हर एक मंदिर के सामने यहाँ द्वार रखा जाता है, बनाया जाता है। हम सबसे पहले पहुँचे यहाँ के प्राचीन मंदिर परिसर में। इस क्षेत्र का संरक्षण भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। आप जो मंदिर देख रहे हैं ये कम से कम 1200 साल पुराना है। भगवान महावीर स्वामी की टेंपल है। इस टेंपल के अंदर चुन्ना से बनाया हुआ मंदिर है। चुन्ना का यहाँ पर जो नारियल की रस्सी होती है उस रस्सी को हाथ पैर में बंधाया जाता है और उसके ऊपर में चुन्ना से यहाँ मूर्ति बनाया जाता है, इसलिए अंदर चुनने की मूर्ति है। पुरातत्व विभाग के द्वारा अनेक छोटी छोटी वेदियां बनाकर अनेक मूर्तियों को वहां पर विराजित कर संरक्षित किया गया है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ में निर्मित सैकड़ों साल प्राचीन गुफाओं के अंदर हमने प्रवेश किया और वहां स्थापित कई भगवानों की अनेक प्राचीन प्रतिमाओं के हमने दर्शन किए। यही गुफा की दीवारों पर करीब 1600 साल प्राचीन भगवान बाहुबली की प्रतिमा को भी उत्कीर्ण किया गया है। कुछ गुफाओं तो इतनी बड़ी है जहां करीब 300 व्यक्ति बैठकर साधना और ध्यान कर सकते हैं। इन गुफाओं में हजारों साल पहले अनेक संतों ने ग्रंथ लिखे थे एवं ध्यान और तपस्या की थी। इस गुफा के अंदर पानी भी हमेशा झरता रहते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं वहां पर पानी का झरना रहता है और जो झरने का पानी है 365 दिन भी रहता है। यहाँ पानी कहाँ से आते हैं मालूम नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा चमत्कार बहुत है। मंदिर परिसर और गुफाओं में हजारों साल पहले की गई चित्रकारी और कलाकृति आज भी जीवंत महसूस हो रही है। यहाँ एक दीवार पर समोसरण की भी कलाकृति हमें देखने को मिली। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि हमने एक अद्भुत शांति का एहसास किया। जिस जमाने में अत्याधुनिक संसाधन नहीं थे वहाँ पर छेनी और हथौड़ी से अद्भुत कलाकृति की गई है।
मंदिर परिसर से थोड़ी दूर आगे बढ़कर हम पहुंचे एक छोटी सी पहाड़ी पर, जहां पर 1800 साल प्राचीन भगवान नेमिनाथ की 18 फीट ऊंची एक खड़गासन प्रतिमा स्थापित है। पहाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर आगे हम एक मठ पहुंचे, जहां पर धर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीव दया, संत, वृद्धों आदि के लिए अनेक निर्माण कार्य किए गए हैं। यहाँ पर दो मठ हैं, उसमें एक अरिहंतगिरी जैन मठ भी हैं। जब श्रवण बेलवला स्वामी जी को यहाँ तमिलनाडु यात्रा करने के बाद उनके मन में आया कि तमिलनाडु बहुत विशाल देश है और इसमें प्राचीन मंदिर, गुफा और पहाड़े भी बहुत हैं, इसमें यहाँ पर एक नूतन मठ रचन करना पड़ेगा और उसके द्वारा संरक्षण करना जरूरी है। जब उनका मन में आए तो उन्होंने 98 में यहाँ पर एक मठ स्थापन किया। यहाँ पर एक विशाल स्कूल है जहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ गुरुकुल भी है जहाँ बच्चों को जैन धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर संतों का आगमन होता रहता है, इस हेतु उनकी सुविधाओं के लिए एक संत निवास का भी निर्माण किया गया है। मठ में जीव दया हेतु एक बृहद गौशाला भी है। यहाँ पर वृद्धों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम भी निर्मित किया गया है। परिसर में एक विशाल गोलाकार मंदिर निर्मित किया गया है, जिसके बीच में 5 दिशाओं में 5 माताओं की 7 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये माताएं हैं माता पद्मावती, माता कुशमांडिनी देवी, माता ज्वालामालिनी, माता वराहिनी और माता चक्रेश्वरी। माताओं के दिव्य रूप को देखकर हम अभिभूत थे। मंदिर परिसर में खूबसूरत ढंग से कलाकृति की गई है। इसके सामने ही एक और मंदिर है जहां समोसरण की रचना की गई है और वहां पर भगवान चंद प्रभु की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ परिसर में एक काफी भव्य और वृहद 25,000 स्क्वायर फीट के अंतर्गत एक 30-24 का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ नवग्रह मंदिर का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। इस परिसर में 58 छोटे छोटे चैत्यालय भी निर्मित किए जा रहे हैं। परिसर में आने वाले यात्रियों के लिए एक अतिथिशाला भी निर्मित है। यात्रियों की सुख सुविधा के लिए यहाँ पर एक भोजनालय भी संचालित है। इस मठ और इलाके के विकास में चेन्नई के श्री महेंद्र जी जैन और सरिता जी जैन का बहुत बड़ा योगदान है। 2005 में यहाँ पर एक छोटी सी बच्चे आकर के यहाँ प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया। उस समय उस बच्चे ने कहा कि यहाँ पर 7 फीट के 5 देवी का मूर्ति बनाओ, तभी यहाँ क्षेत्र विशाल रूप से वृद्धि अपने आप में होगा। उस बच्चे 5 मिनट देख करके माय हो गए। उसके बाद उन्होंने, ये बच्चे ने ये कहा, पूर्व दिशा से एक महिला आएगी तो वो महिला यहाँ पर पूरा क्षेत्र का संरक्षण करेगी, सेवा करेगी। तो वो सरिता अम्मा जी है। उन्होंने शुक्रवार आए बच्चा, अगले शुक्रवार में सरिता बहन जी आई और उन्होंने सारा विषय बताया उनको और उन्होंने सुन करके उस समय 2005 में इस देवी का मंदिर भी विशाल रूप से उनके परिवार की ओर से बनाया। तब से यहाँ क्षेत्र अपने आप में बढ़ते गए। अभी यहाँ विशाल रूप से ये मंदिर और गुरुकुल जो भी है उनके देन है। आज भी इस क्षेत्र के लिए पूरा धन मन धन लगा करके उनका सेवा कर रहे हैं। आपने तीर्थ संरक्षणी महासभा के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कई सालों से, बहुत अच्छा ये संस्था काम कर रही है और मैं भी महासभा से जुड़ा हूँ, लेकिन आज भी मैंने देखा कि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हजारों साल प्राचीन मंदिर हैं उनको कोई नहीं देख रहा है और नित्य नए
मंदिर बनते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है और काफ़ी जीर्णोद्धार हो रहा है। अब तमिलनाडु में देखिए, हमारे यहाँ कम से कम भी 15-20 मंदिर ऐसे हैं जो कि 1000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर 2000 साल से ज़्यादा पुराना है, और उसके बाद एक मंदिर है 1700 साल पुराना जो आपने लास्ट विजिट भी किया है कल। सबका मोस्टली जीर्णोद्धार हो चुका है और हो रहा है काम। अरिहंत गिरी क्षेत्र के इस विशाल भव्य और प्राचीन मंदिर, पहाड़ी गुफा, मठ के दर्शन कर हमने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। अगर आप भी अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। तो दोस्तों, हमारा आज का यह सेगमेंट मंदिर दर्शन यहीं तक। इस सेगमेंट में हमने आपको कई प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन कराए। यह मंदिर जो आज हमारे लिए एक धरोहर है, जिससे हम हमारे इतिहास के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि जैन धर्म क्या है, कहां से आया है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वह जिंदगी की टीम जब निकल पड़ती है अपने सफर पे, नए नए इलाकों में, नए नए रास्तों में, तो बस इसी उम्मीद से जाती है कि हम हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा लेकर आए कि जिससे वह कुछ सीख सके या कुछ प्रेरणा ले सके। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जरूर बताएं कि यह प्रयास आपको कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय जिनेंद्र।